नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। खुद को जिहादियों का जीजा कहने वाला बिट्टू बजरंगी फूट फूट कर रो रहा है, जेल से भाग रहा बिट्टू बजरंगी, मुस्लिमों से डरा, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को लगा दी करारी फटकार, गिड़गिड़ा रहे हैं खट्टर, बताएंगे इसके बारे में। कितने हिंदू मुस्लिम के घर तोड़े गए हैं, हाईकोर्ट ने कहा केवल मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, खट्टर दे रहे हैं सफाई, बताएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर निकल के आ रही है ज्ञानवापी। फिर देखा जाए खासकर किस जन्मभूमि के बाद अब आगरा की जामा मस्जिद का एसआई सर्वे होने जा रहा है, 25 अगस्त को हो सकती है बड़ी सुनवाई, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान के अलवर से, बड़ी खबर है जहां पर एक और मॉम लिंचिंग का मामला सामने निकल के आ रहा है, 3 युवकों को भीड़ ने जमकर पीटा, एक की हुई मौत, इसके बारे में बताएंगे। एक और बड़ी खबर मणिपुर से निकल के आ रही है, मणिपुर में नहीं आने वाली है शांति, अब म्यांमार से लगभग 212 लोगों ने कर ली फिर से मणिपुर में एंट्री। ऐसी तमाम बड़ी खबर निकल के आ रही है जो जानना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, खुद को जिहादियों को जीजा कहने वाला बिट्टू बजरंगी इस समय जेल में है और फूट फूट कर खून के आंसू रो रहा है, और देखा जाए लगातार उसे डर सता रहा है उसकी जान गंवाने का, यही वजह है कि वह अपना जेल भी बदल चुका है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खुद को जिहादियों का जीजा कहा करता था लेकिन आज खून के आंसू रो रहा है बिट्टू बजरंगी। हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा मामले में ताबड़तोड़ अपराध पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आतंकियों की तरह बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया था, वैसे इसका नाम राजकुमार भी है। एक दिन पहले यह पुलिस की रिमांड पर भी रहा था, रिमांड अवधि के दौरान 8 तलवारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच नूंह की अदालत में ले पहुंची, कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को आपस में सुनाया और देखा जाए बिट्टू बजरंगी ने खास तौर पर जिस तरह से इस बार कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया, कहा हमें नू जेल में ना भेजिए मैं लॉर्ड, हमें छोड़ दीजिए, हमें फरीदाबाद के नीमका जेल में भेज दीजिए। वैसे आपको बताया चले हैं बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और ये गिड़गिड़ा रहा है कि इसे नू जेल में ना भेजा जाए। वैसे आपको बताया चले हैं बिट्टू बजरंगी को पहले नू ही जेल में भेजा जा रहा था लेकिन उसके गिड़गिड़ाने के बाद अब उसे फरीदाबाद जेल में भेज दिया गया है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। और एक बड़ी खबर, जी हाँ, खट्टर सरकार पर हाईकोर्ट का कड़ा रहा एक्शन, उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, खट्टर सरकार दे रहे हैं तबाही। दरअसल आपको बताया चलें नू में जो हिंसा हुई उसके बाद जो तोड़फोड़ का अभियान रहा उसमें लगभग 71 हिंदू भी प्रभावित हुए, लेकिन वहीं अगर मुस्लिमों का आंकड़ा देखा जाए तो 283 मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चला है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि नू हिंसा के बाद इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जाति सफाई पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने अपनी दलील पेश की थी, सरकार ने बताया तोड़फोड़ अभियान 283 मुस्लिम और 71 हिंदू प्रभावित हुए हैं। राज्य ने यह दावा करके संख्या को उचित ठहराया कि नू मूलतः मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए यहां पर संख्या ज्यादा है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या सचमुच नू में मुस्लिम जातियों की संख्या ज़्यादा है इसलिए उनके घर ज़्यादा तोड़े गए हैं? दरअसल आपको बताया चले सन 2011 की जनगणना देखी जाए तो खासकर अगर नू और मेवात की बात की जाए तो यहाँ पर 80% तक केवल और केवल आबादी मुस्लिमों की रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए हिंदुओं की आबादी की तो 20% आबादी केवल और केवल हिंदू समुदाय की रही है। यही बड़ी वजह है कि इसमें ग्रसित होने वाली की संख्या सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ, ज्ञानवापी शाही ईदगाह के बाद अब आगरा की जामा मस्जिद का सर्वे, 25 अगस्त को होने जा रही है सुनवाई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आगरा में देवकी नंदन ठाकुर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को एक और पक्षकार सामने आया है। अब देखा जाए अधिवक्ता जुनैद इरशादी ने लघुवाद न्यायाधीश सीनियर डिवीजन भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत में प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। वहीं देवकी नंदन ने अधिवक्ता के पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम से सर्वे कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए 25 तारीख की तारीख तय की है। अधिवक्ता जुनैद इरशादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए, उनके पास मामले से जुड़े साक्ष्य हैं। वहीं
उक्त इस मामले में देखा जाए देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे विनोद शुक्ल ने पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम से सर्वे कराने के लिए खास तौर पर देखा जाए पत्र लिखा है न्यायालय को। अब देखा जाए इनका कहना है कि सीढ़ियों में जामा मस्जिद के खास तौर पर केशव देव का विग्रह दबाया गया है और ना विश्वास हो तो खोद कर निकाल लिया जाए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, 25 अगस्त को इस पर बड़ी सुनवाई आ सकती है। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहाँ पर एक बार फिर मॉम लिंचिंग का मामला निकल के आ रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान के अलवर में मॉम लिंचिंग की बड़ी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 3 मुस्लिम युवकों ने एक दर्जन से ज़्यादा भीड़ जमकर पिटाई कर दी है। इस पिटाई में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। ये तीनों युवक लकड़ी काटने के लिए आए हुए थे, इसी दौरान इन पर हमला किया गया। इस घटना को लेकर अलवर के हरसोरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया है। मॉम लिंचिंग की इस घटना को लेकर तैयब खान ने FIR भी दर्ज कराई है। उस FIR के अनुसार 17 अगस्त को उनके बेटे वसीम ने बंसूर में जंगली इलाके में लकड़ी खरीदी थी। उसी लकड़ी को लेने के लिए दोनों दोस्त के साथ गए हुए थे। रात करीब 10 बजे वो लकड़ी को गाड़ी में भरकर तैयार करते हैं, तभी वन विभाग की गाड़ियां आती हैं और ताबड़तोड़ पिटाई शुरू हो जाती है। और समझिए कि वन विभाग की तरफ पर ऊपर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। मॉम लिंचिंग का मामला भी कम नहीं हुआ है। जाहिर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कुछ कहे या फिर कोई भी कुछ कहे, लेकिन अभी मॉम लिंचिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इसे आप किस तरह से देखें मिला दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, मणिपुर में नहीं आ रही शांति, हिंसा में म्यांमार भाग गए हैं 212 लोगों की जाएगी वापसी। एनवीरेन ने जताया आभार। लगातार मणिपुर में भड़के हिंसा के बीच एक और बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एनवीरेन ने प्रदेश के सीमावर्ती शहर से म्यांमार गए 200 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सेना का धन्यवाद किया है। ये सभी हिंसा भड़कने के बाद म्यांमार चले गए थे। आप सोचिए किस तरह से हिंसा थी, खुद को बचाने के लिए लोग अपने देश को भी छोड़ने को मजबूर है। करीब 3 महीने बाद सेना की सहायता इनकी वापसी कर पाई है। वहीं देखा जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए मणिपुर के मोहरे कस्बे के 3 मई को ही लोग भागना शुरू कर दिए थे। और देखा जाए मणिपुर की राजधानी इम्फाल के रहने वाले थे और वहां से 110 किलोमीटर दूर ये जाकर रहने लगे थे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और मणिपुर में जो हालात ख़राब हैं इसके पीछे आप किसका सबसे बड़ा हाथ मानते हैं, निराई दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, गुलाम नबी के बयान से लगातार बवाल हो रहा है। और ऐसे में देखा जाए फारूक अब्दुल्ला का बयान निकल के आया और वो भी मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के पूर्व नेता के बयानों पर बवाल मचा है। वह कह रहे हैं कि भारत के सभी मुस्लिम पहले हिंदू थे। महबूबा मुफ्ती के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर बयान किया और आलोचना भी की है। वह ऐसा बोल गए कि उनका विरोध शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि भेदभाव मुक्त होने की वजह से लोग इस्लाम धर्म में आए, निम्न श्रेणी में जो लोग ब्राह्मण थे वे मुस्लिम बने। उसके इस बयान की जूना अखाड़ा और सूफी इस्लामिक बोर्ड ने आलोचना की है। इस्लामिक बोर्ड ने कहा कोई भी सियासी रहनुमा इस तरह की बात करता है तो बहुत अफसोस होता है, कश्मीरी ब्राह्मणों का अपमान करना ठीक नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के बयान से नाराज़ मुरादाबाद के सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा कि उन्हें इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए थे। किसी भी सियासी रहनुमा को किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, कश्मीरी ब्राह्मणों का अपमान अच्छी बात नहीं है। कोई भी मजहब या पैगंबर नहीं देखा है और ना ही कोई छोटा होता है। कोई भी कहीं भी अपना मजहब और किसी को भी अपना पैगंबर मान सकता है, सब इंसान एक बराबर हैं, इसमें 2 राय नहीं है। हिंदुस्तान का पहला मजहब सनातन रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर आए और हिंदुस्तान में इस्लाम का एक नया कवाद शुरू हो गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार आए दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है और इसको लेकर बात विवाद भी होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। यहाँ पर मॉम लिंचिंग का एक दूसरा मामला निकल के आ रहा है। दरअसल आपको बता चले हैं कि बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में परसोना निवासी युवक अरकान की मौत के मामले में उनके पिता ने विथीर चैनपुर थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। देखा जाए हमला कर हत्या और लूटपाट के साथ घूसखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी साल अप्रैल के परसोना निवासी अकरन की मीट फैक्ट्री से लौटते समय कैंट क्षेत्र में बिलल मस्जिद के पास मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे दुर्घटना माना। सूचना पर विथरी चैनपुरी पुलिस पहुंची तो भीड़ ने घेर कर पुलिसकर्मियों पर युवक की हत्या का आरोप लगाने लगे और मारपीट करने लगी। दरोगा से पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और भीड़ को हटाया गया। अब बताया जा रहा है कि इसमें खास तौर पर
अकरम के पिता पप्पू ने न्यायालय में खास तौर पर देखा जाए चैनपुर के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार, दरोगा धर्मेंद्र कुमार, सिपाही राजेश, विनीत कंडपाला और होमगार्ड वीरपाल के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। ये भी एक तरह की मॉम लिंचिंग रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और इसमें बताइएगा कि न्यायिक रूप से क्या कुछ हो सकता है, क्या सचमुच मॉम लिंचिंग करने वाले को सजा दी जाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के यार, ये फरवरी तक तैयार हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, 12 घंटे में पूरा होगा सफ़र, नितिन गडकरी ने बनाया है नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया चले हैं कि अब दिल्ली और मुंबई के बीच का रास्ता केवल और केवल 12 घंटों के अंदर पूरा हो जाएगा। आपको बताया चले हैं कि आज तक G20 समिट में शिरकत करते हुए केंद्रीय सड़क मंत्री और परिवहन मंत्री रहे नितिन गडकरी ने कहा कि आज भारत कई क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जिस गति से पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है उससे पूरा विश्व देख रहा है और अब G20 के बीच एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें खासकर देश में बढ़ते रोड नेटवर्क पर गडकरी ने कहा कि हमारे देश में 65 लाख किमी का रोड नेटवर्क है, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बना लिए हैं, हमने हर हाईवे एक्सप्रेस में पैसा बचाया है, आप कहीं भी जाइए किसी भी BJP कार्यकर्ता से नहीं बल्कि आम आदमी और ड्राइवर से पूछिए, वो आपको सड़क के नेटवर्क के बारे में हुए कामों में बता देगा। मैं दिल्ली के आसपास की 65,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर रहा हूं और ये जनवरी और फरवरी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस खुल जाएगा और जिससे आप 12 घंटों के अंदर सफ़र पूरा कर लेंगे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। और इस खास खबर में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।